भारत ने 2024 के शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक डबल गोल्ड मेडल जीतकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं, जो भारतीय शतरंज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस उपलब्धि पर भारतीय शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने कहा कि जब हम मेडल जीते तो हम दुनिया के शीर्ष पर थे। हमें समझने का भी तरीका नहीं पता था कि हमने डबल गोल्ड मेडल कैसे जीता। पिछले 100 सालों में भारत ने एक भी गोल्ड नहीं जीता था। हमें भारत के लिए खेलते हुए गर्व महसूस होता है। शतरंज ओलंपियाड विजेता वंतिका अग्रवाल ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपनी पुरानी तस्वीर साझा करते हुए बताया कि तब के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से मिली प्रेरणा ने उनका हौसला बढ़ाया। सुनिए वंतिका और माननीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात को। क्या ये तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैंने कहा अब तो मुझे पूरी जान लगा देनी है चेस में, मुझे अब तो इंडिया के लिए हर समय मेडल जीतने है। और मुझे मतलब मैं तब बहुत ज्यादा ही खुश थी। और फिर तब आपने तो उसी में थी तुम। हाँ, और ये तब आपने साइमल ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारी लड़कियां खेल रही थी तब। वाह, तो उस समय तुम्हें वहाँ कैसे ले आए थे? तब मैं एशियन अंडर 9 जीती थी, तो किसी ने मेरी मम्मी से कहा कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है गुजरात में गांधीनगर में, तो मुझे तब बुलाया था। तो ये मैं रख सकता हूँ ना? प्रेम करवाना था बट इतना प्रेम करवा के देना था आपको बट नहीं बेटा, कोई चिंता नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। भारतीय पुरुष टीम ने ओलंपियाड में 21 में से 22 मैच अर्जित किए, जिसमें अंतिम राउंड में स्लोवेनिया के खिलाफ जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। महिला टीम ने भी अजरबैजान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस टीम में अनुभवी खिलाड़ी हरिका द्रोणावली और युवा सितारे दिव्या देशमुख शामिल थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये डबल गोल्ड सिर्फ एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारतीय शतरंज विकास में सालों की रणनीति निवेश पर परिणाम है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद का योगदान इस सफलता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुकेश प्रंगानंद और अर्जुन जैसे खिलाड़ी आनंद द्वारा स्थापित आनंद चेस अकेदमी के उत्पादक है, जो युवा प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रही है। गुकेश जो केवल 18 साल के हैं, पूरे ओलंपियाड में अपराजित रहे और उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन फैबियानो करुआना को भी हराया। अर्जुन एरिगेसी ने विश्व के शीर्ष 3 खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई है, जो भारतीय टीम की गहराई को दर्शाता है। सफलता को देखते हुए भारतीय शतरंज समुदाय अब विश्व शतरंज चैंपियनशिप की प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ गुकेश चीन के डिंग लिरेन के खिलाफ करेंगे। अगर वो वहां जीतते हैं तो ये भारतीय शतरंज के लिए एक और महत्वपूर्ण साल साबित होगा। 2024 के शतरंज ओलंपियाड में भारत के डबल गोल्ड जीत केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि देश की शतरंज को बढ़ावा देने का प्रमाण है। भारत ने अब एक मजबूत तंत्र तैयार किया है। जैसे जैसे दुनिया भर में शतरंज का खेल लोकप्रिय हो रहा है, भारत अपनी स्थिति को एक प्रमुख चेस पावर हाउस के रूप में स्थापित कर रहा है। वंतिका अग्रवाल और उनकी टीम की ये जीत न केवल खेल जगत में बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र में भी भारत की पहचान को मजबूत करती है।